गर्मा गर्म खाना आ चुका है, अब हम खाएंगे दही पराठा। अरे वाह, लग्जरी लग्जरी। टिशू भी आ गए। आ जाओ भाई, लेट्स हैव सम फूड। तो यार शक्ल तो सुधरी नहीं, मैं नहाया ही नहीं अब तक, 2:30 बज चुके हैं। वैसे तो ज़बरदस्त धूप ऊप निकली हुई है, तो बाद में भी नहा सकता हूँ थोड़ा सा, बट द प्रॉब्लम इज कि वह ठंड हो जाती है ज़्यादा यहाँ पे। अब धूप निकल रही है, मे बी स्नोफॉल के आसार हैं रात को, ऊपर पीक्स पे तो हो गई होगा। चीज़ मैं देख रहा था कि जैसे ये एंट्री पॉइंट है बिल्कुल जिस्पा का, यहाँ से आगे आप देखोगे कुछ नहीं है, तो यहीं से एंट्री पॉइंट है जिस्पा का, और सबसे पहली जो लोकेशन है वो है ये नेचर वैली कैंपेन की। तो मैं देखा अभी ऊपर आके, तो मैं वही कह रहा था कि आपने ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर रखी। बहुत मस्त लोकेशन है, बिल्कुल पीछे ही कैंप्स के नदी बह रही, आप जाके वहाँ पे चिल आउट कर सकते हो, पर अभी पता ही नहीं लगता किसी को कि यहाँ पे कुछ है। तो मैंने सोचा है कि भाई भाई को भेजेंगे कुछ बना के मस्त सा, जो कि वो जब प्रिंट कराएं तो लोगों को लगे कि कुछ है ये जगह, क्योंकि जगह अच्छी है, प्राइसिंग भी ठीक है इनकी, तो खाना बहुत बढ़िया लगता है पर मुझे यहाँ का हर बार। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैं इनको भिजवाता हूँ और प्रशांत को बोलता हूँ। प्रशांत आज निकल गया है यहाँ से, क्योंकि उसके पास टाइम का अभाव था थोड़ा सा, तो अब उससे बोला मैंने कि ज़रा कुछ भाई के लिए बना के भेजें, क्योंकि प्रशांत डिजिटल मार्केटर है अगर आपको नहीं पता, तो वो कुछ ऐसा बना के भेजेगा जो यहाँ पे काम आएगा। तो जब आप कहीं बाहर जाते हो, और बहुत बढ़िया इंसान है अपने तंजिन भाई जिनका ये कैंप है, तो क्यों ना कुछ उनके लिए भी किया जाए। ओह शिट, चाबी लानी भूल गया, कुछ मीठा खाने का मूड है, चाबी लेके आता हूँ फटाफट से, ट्रेंड बंद करते हैं, सूख गया होगा पूरा, और कुछ मीठा हो जाए। तो जी 5 स्टार मिली है, 5 स्टार का 1 स्टार बन चुका है दबदबा के। फोल्ड वोल्ड करेंगे बाद में। तो अभी कोशिश कर रहा था कि यार थोड़ा कुछ डेटा वेटा चेक कर लूँ क्या बना है, उसको अभी रखना है कॉपी करके, या फिर उसके अलावा फिर कुछ एडिट करना है। तो अभी तो सुस्ती छाई हुई है, इसीलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि मैं कहीं रुकता नहीं, फिर उसके बाद आप लेजी मोड में आ जाते हो। फिर एक काम करते हैं, टेंट क्लोज कर देते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत ये होती है कि बारिश वारिश आ गई या कुछ हो गया तो फिर से गंदा हो जाएगा वो। अब जैसा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वाइड बैंड है मतलब ट्रैवल का इन जगहों पे, और हर वेदर में ये अलग अलग दिखाई देती हैं। अब प्रशांत चला गया है, अब हम जो करेंगे खुद करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। आई एम श्योर कि ही स्पेंड सम गुड टाइम। ऑल डन, पैकिंग डन, अब करेंगे आराम थोड़ा, 1-2 घंटे नींद आई तो नींद लेंगे, और उसके बाद फिर नदी किनारे भी आना है पीछे। बहुत मस्त नदी है यार, मज़ा आ जाता देख के। नाम मुझे ध्यान नहीं है, नाम मैं पूछता हूँ इनसे। बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, हर वैली में अलग नदी मिलेगी आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो ये मेरा दूसरा दिन है आज है यहाँ पे जिस्पा वैली कैंप में। तो आज मुझे जो भी काम फिनिश करने थे सारे के सारे करके, और कल मॉर्निंग में यहाँ से हर हाल में निकलना है, अदरवाइज शेड्यूल इज़ गेटिंग डिलेड। तो थोड़े से सांस चढ़े हैं, आई डोंट नो, थोड़ा वॉक पे जाना पड़ेगा आज, एंड ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ेगी। तो वॉक कर रहा था मैं थोड़ा इधर, तो कुछ ऐसा ऐसा लगा तो थोड़ा और ज़्यादा करेंगे वॉक। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए गाड़ी से, और जो पानी मैंने एक्चुअली लिया था फ्रॉम साच पास, जो हमने 20 लीटर का बॉटल फिलअप किया था, यार द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर, ओ माय गॉड यार, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड, कीपिंग आवर स्टमक हेल्दी। अब तो आवर नहीं रहा, अब तो माई हो गया, क्योंकि प्रशांत को मैंने वापस भेज दिया क्योंकि वो लेट हो रहा था, और अब आगे की जर्नी जो रहेगी वो अकेले रहेगी। तो ये जो भी ये स्ट्रीम्स हैं, ये तो चलो थोड़ा सा नीचे आ गए हम लोग, बट ये सब ड्रिंकेबल वाटर है जो ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर से पिघल के इस पहाड़ के ऊपर से। तो जी ये थे कुछ आखिरी बूंदें इस पानी की, और अंदर झांक के देखो, दिस इज समथिंग यार।
तो बुलडोजर धो दिया गया है, अब कल आई गेस थोड़ा सा बेटर चलेगी गाड़ी, जब साफ होती है तो अच्छी चलती है क्यों भाई। तो ये है हमारे तंजिन भाई, ये जिस्पा की एंट्री पे है, जिस्पा ने वैली कैंप। तो अभी इसकी ब्रांडिंग बदलनी पड़ेगी, लोग मिस कर जाते हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि भाई यहाँ से निकल जाते हैं। ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है, अब मैं एक बार वॉक अराउंड देता हूँ इस वाली जगह का, मैं जब भी आता हूँ यहीं पे रुकता हूँ। तो ऐसे एंट्री करेंगे, मतलब ये दिक्कत क्या है कि दिखता नहीं है ना बिल्कुल भी, तो लोग को पता ही नहीं लगता, बाहर बोर्ड भी बहुत छोटे और ऐसे रहें कि पता ही नहीं लगता कि वो बोर्ड लगे हुए हैं। तो पिछली बार जब मैं आया था तो आई गेस यहीं पे कैंप थे, नीचे खाली प्लेटफॉर्म बना हुआ था, है ना। हाँ, बिल्कुल। अब की बार वहाँ भी कैंप हो गए, तो टोटल कितने भाई, 12 है। तंजिम में जो कैंप है, मतलब ये जो भी मटेरियल से बने हुए हैं, तो मतलब ये क्या अलग है औरों से, क्योंकि इनका कलर वलर तो अलग दिखता है। बिल्कुल, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये मतलब स्विस कॉटेज कैंप है। ओ, और ये मलेशिया से आता है, इसके जो भी कपड़े हैं, क्या बोलते हैं आप, बर्फ पड़ेगी तो इसमें बर्फ में भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, 1-1.5 फीट तक। अच्छा, 2000 अब अंदर से देखते हैं फिर एक बार। 2019 में बर्फ पड़ी थी तो लोगों के टेंट्स टूट गए थे, अपना तो कुछ नहीं हुआ था। ये वाला है जो सिर्फ फोर शेयरिंग में है। ओह, इसमें अच्छा, ये पूरा लंबा वाला बेड है और इधर ये टॉयलेट है। टॉयलेट तो अब क्या ही दिखाऊँ आप लोग अंदर घुस के, बाकी लाइट वाइट सब सॉलिड। तो इसमें गर्मी भी कम लगती होगी जब धूप तेज होती होगी, क्योंकि थिक मटेरियल है थोड़ा सा। आपके जो पैकेज है उनमें फूड इंक्लूड होता है, एमएपी प्लान में देते हैं, डिनर ब्रेकफास्ट साथ में। इस पानी का कलर यही रहता है हमेशा, थोड़ा सा बदलता भी है? नहीं, समर में इसका पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो गया था ना नीचे, तो का नीचे का आता है बिल्कुल बिल्कुल, फिर ग्लेशियर मेल्ट हो गया पूरा। तो इस पानी, तो ये थोड़ा सा रेती वाला पानी है ना, हल्का सा। अभी आप अक्टूबर नवंबर में ये पानी बिल्कुल नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, कलर आसमान की तरह बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन। बस मैंने खूब रेस्ट कर लिया यार, अब मैं बोर हो गया हूँ सही बताऊँ तो रेस्ट से, और वीडियो भी एडिट नहीं करी। अब जो प्रॉब्लम मेरे को आगे लग रही है, क्योंकि अब वेदर बदलेगा, क्योंकि धूप क्रिस्पी निकल रही है, और मुझे लगता है कि अब मेरा जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो मैं शिंकुला के आसपास करूँगा। तो जो चैलेंज मुझे लग रहा है वो होगा शूज़ का। दो चीज़ें मैं भूल के आया, एक मेरे ट्रैकिंग शूज़, वो मिले भी नहीं मुझे धर्मशाला से, मैंने एक शू लिया, देखने में ठीक लग रहे थे, लखानी के थे, बट दो ही दिन चले यार, दो दिन भी नहीं चले। तो अब उनको रिपेयर करूँगा, 3M की टेप कैरी कर रहा हूँ, मेरी ओ गिर गया था अभी, तो मेरी फेवरेट टेप है ये। तो ये आखिरी हरामखोरी का दिन है, उसके बाद एक्सपीडिशन विल गो ऑन। जब बहुत ठंड हो जाए 3M की टेप भी काम नहीं करती है, ये मतलब अपना एडिसिव भी ड्रॉप कर देती है, तो बहुत ठंडी जगहों में ये भी एक इशू है। यहाँ पे तो वेदर ठीक है। जो चीप शूज़ हैं यार, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सोल होती है ना, सोल बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं, मिल कहीं रहे नहीं है ढंग के शूज़, तो क्या ही करें। देखने में तो लग रहा था कि काम चला देंगे, बट दो दिन में इनके तोते उड़ गए। पीने का पानी भी ख़त्म हो गया यार, पानी भी भर लिया जाए। अब अकेला हूँ तो 20 लीटर पानी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, बट अगर कहीं पे उससे भी अच्छा पानी मिला जैसा हम लोगों ने पहले भरा था, तो फिर हम चेंज कर लेंगे पानी को। कहानी जो है वो ये है कि कोई बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहे ये दिन, बट ये था कि जैसे थकान सी मिट जाती है, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था, छुट्टियों की कमी में टाइम नहीं होता था, कितनी भी लंबी ट्रिप हो मैं करता था वही 7 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर। तो अब की बार अपने पास टाइम है, तो अब रेस्ट डे फिनिश और हम कल निकलेंगे फिर जांस्कर के लिए। तो अब ज़रा अपनी नदी के किनारे चलते हैं और थोड़ी सी देर शांति से बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं इस वेदर को। सामने पीक्स पे तो स्नोफॉल होने लगा है, एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि वेदर थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो जाए, जिससे कि फिर थोड़ा सा मज़ा आए, क्योंकि बार बार तो आया नहीं जाता यार, द प्रॉब्लम इज़ बार बार तो आया नहीं जाता। तो नदी में अभी भी फ्लो काफ़ी अच्छा है,
पहले एक्चुअली यहाँ तक पानी था जब मैं जून में आया था। ये जो ये पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक पूरा पानी था। मॉर्निंग दोस्तों, तो आज आ गया टाइम जब हम निकलेंगे आगे की तरफ। सो सेकंड फेज ऑफ द ट्रिप जो कि है अपना ज़ांस्कर वैली, और उसके बाद फिर आगे का अपडेट मैं दूंगा आप लोग को। तो दो दिन मैंने यहाँ बिताए एंड आई वाज रिलैक्सिंग। एक्चुअली रिलैक्सिंग तो क्या, सच बताता हूँ, मैं वेट कर रहा था कि वेदर चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्पी धूप निकल रही थी। दो तीन दिन धूप निकलने के बाद में क्या रहता है कि स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा वेदर इस तरह का हो जिस तरह हम चाह रहे थे, क्योंकि समझ रहे हो ना, नॉर्मल वेदर में तो हमें मज़ा नहीं आता ना। आते टाइम मिलता हूँ भाई मैं, ठीक है, चलो सी यू। तो भाई चलने की तैयारी, आज एक बहुत ही मस्त जगह पे कैंपिंग करूँगा मैं।